उधर आंधी पानी तबाह करे किसान को, इधर बिजली विभाग। घाटमपुर साण क्षेत्र के दौलतपुर मोड़ के 10 मीटर दूरी गोपालपुर की ओर रामेश्वर निवासी गोपालपुर के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में बिजली के तारों में संपर्क करने से जो चिंगारी फसल में गिरी, वो चिंगारी ने गेहूं की फसल को राख में तब्दील कर दिया। रामेश्वर का कहना है कि ये जो आए दिन आग लगती है, इसका पूरा श्रेय बिजली विभाग के तारों की देखरेख करने वाले लाइन मैन की है। रामेश्वर ने लाइन मैन की कुछ खामियां, जैसे तारों में अनगिनत जोड़, तारों का आपस में टकराना, तारों का ढीलापन इत्यादि कारण बने हुए हैं। रामेश्वर के खेतों से 11,000 लाइन साण से लेक बैरोहर फीडर की ओर गई है, जिसमें इतने जोड़ लगे हुए हैं कि गिनती करना मुश्किल है। बताया जाता है कि करीब 10 विसवा फसल जलकर राख हो गई है। आग लगते ही आसपास खेतों में गेहूं की फसल काट रहे किसान ने लाठी डंडों से आग पर काबू पाया। आसपास की खड़ी फसल बाल बाल बची। ये आपका तार फाड़ कर गया, हमारे खेत में आग लग गई है। कितना नुकसान हुआ आपका? कम से कम 3 क्विंटल। अच्छा, कितने समय घटना है? घटना है 2 बजे की। आपका गांव कौन है? गोपालपुर। नाम क्या है? रामेश्वर यादव। अच्छा, कितने समय घटना है? 2 बजे की। लाइन फॉल्ट होने से घटना हुई? लाइन फॉल्ट होने से हुई। ये हमेशा होती है? हमेशा होती है, हर महीने फॉल्ट होती है। इस जगह की कमी किसकी है? कमी है लाइन मैन की और जेई की। अच्छा, तार के टुकड़े जोड़ देते हैं? हाँ, तार के टुकड़े, अभी तार यहाँ तमाम पड़ा होगा टूटा फूटा। अच्छा, ठीक है।